हेलो, तीन बार उबाल कर और चीनी थोड़ी कम लेते हैं हम। क्या चाय की बात कर रहे हैं? कब पिला रही है अपनी पहली तनख्वाह की चाय? जी कौन बोल रहा है? हम शाम बोल रहे हैं। आपके ऑफिस का आज पहला दिन था तो सोचा हालचाल पूछ ले। ओ श्याम जी, आप पर आपको ये नंबर कहाँ से मिला? अरे आप तो घबरा गई। खुशी जी चिंता मत कीजिए, पूरा दिन लगाकर जासूस भिजवाकर पता नहीं करवाया आपका नंबर, सिर्फ जो बायोडेटा दिया था आपने उसे देख लिया। अच्छा, अब अगर आपकी पूछताछ खत्म हो गई हो तो काम की बात करें। नौकरी ठीक ठाक चल रही है या अपने गुस्से से ऑफिस भी बंद करवा दिया आपने? अब हम आपको क्या बताएं श्याम जी कि हमारे साथ क्या क्या हुआ। पहले तो वो अपॉइंटमेंट लेटर ही हमसे खो गया, फिर उन्होंने हमें एक बड़े से ऑफिस में भेजा, फिर देवी मैया की कृपा से हमें वहां दूसरी नौकरी मिल गई। बड़े ऑफिस जी, अब नौकरी तो नौकरी है ना श्याम जी, और काम तो हर तरह का अच्छा होता है। वैसे नौकरी तो दूसरी है लेकिन इसका भी श्रेय हम आप ही को देंगे। कम से कम बुआ जी की पेंशन की परेशानी तो दूर होगी। पेंशन की परेशानी जी? वो सरकारी काम है ना, सरक सरक के हो रहा है। हाथ तंगे और ऊपर से जीती और आप। बुआ जी बहुत परेशान है। अरे तो आपको पहले बताना चाहिए था ना, हम ही आपकी मदद कर सकते थे। खुशी जी तकल्लुफ बहुत करती हैं आप। क्या आप हमारी मदद कर सकते हैं? जी ये पूछिए कि हम क्या नहीं कर सकते। श्याम जी अगर आप हमारी मदद करेंगे ना तो बहुत ही अच्छा होगा। देखिए खुशी जी, आपकी बुआ के अलावा भी इस एरिया में ऐसे बहुत लोग होंगे जिन्हें इस मामले में मदद चाहिए, और हम ठहरे वकील। जी थैंक यू। अब वैसे अब हमें जाना होगा, नौकरी का पहला दिन है और बहुत देर हो गई। अब हमारी डील डिस्कस हो चुकी है, सो जेंटलमैन एआर फैशन हाउस से डील करना आपकी कंपनी के लिए एक सही फैसला होगा। ने वो करवाया बहुत अच्छा लगा। क्या फेशियल है, और वो गोल्ड फेशियल तो बहुत ही बढ़िया। मैंने ना थोड़ा सा वेट भी लूज कर दिया है। क्या है, तुम्हें कंप्यूटर चलाना नहीं आता, इंटरकॉम चलाना नहीं आता, तुम इस ऑफिस में काम कैसे करोगी? वो इन्वेंटरी का नंबर नहीं लग रहा, कोई और नंबर है क्या? थोड़ी देर बाद कोशिश करो, पर मेरा दिमाग मत खाओ, जाओ यहाँ से। देवी माँ। सो जनमन, फाइनली ये डील डिस्कस हो चुकी है, मुझे नहीं लगता हमें कुछ और कहने की जरूरत है। अजीब सी जगह, ना लोगों की कदर है ना आपकी, आपके लिए जो चलाना कैसे भूल सकते हैं? पर अब खुशी आ गई और हर रोज आपके लिए हम जो चलाएंगे। सो मिस्टर आर, अब हमारी फैक्ट्री की यूनिट्स देखने के बाद आपके मन में 0% डाउट रह जाएगा। Cause we're the best. देवी मैया, सुबह से चार दीवारी में बंद है और हमें तो लखनऊ की खुली हवा की आदत है। एक काम करते हैं, थोड़ी देर के लिए बाहर होकर आते हैं, फिर काम शुरू करते हैं। यहाँ सांस भी क्वालिटी को ध्यान में रख के ली जाती है। आप इंडिया की बेस्ट कंपनी के साथ डील कर रहे हैं मिस्टर राजदादा, ये सब डिलीवरीज टाइम पर तो हो जाएंगी ना? यहां सब कुछ टाइम से होता है। एआर ग्रुप अपनी परफेक्शन के लिए जाना जाता है, यहां कभी कुछ गलत नहीं होता।
यहीं पे मिलेगी वो चाय जिसकी हमें जरूरत है। चाय पत्ती रोक के दूध चीनी ठोक के, बस 15 दिन की तो बात है, बुआ जी की मदद हो जाएगी और लाड गमनाथ को सबक भी सिखा देंगे। भैया जी एक चाय दीजिए ना। जाके भेज दिया पर पता नहीं चल रहा ये फायर अलार्म चला कैसे। मैम वो देवी मैया की मूर्ति के आगे किसी ने दिया जला दिया इसलिए फायर अलार्म बज गया। किस इडियट ने किया ये? ये लीजिए भैया आपके 2 रुपए। आपकी चाय पी के तो मजा आ गया। यहाँ पे 2 रुपए और अंदर 40 रुपए। हाँ देवी भैया हम हर रोज यही से ही चाय पिए। थैंक यू। कौन है रे उधर? जी हम वो जी ये वही घर है ना जहाँ लखनऊ से जो आई है वो रहती हैं। का बोला? कहाँ से आए हैं? और तो का कैसे मालूम? और तू है कौन? जी हमारा नाम श्याम है। श्याम हाय 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 का बोला? कहीं के कलेक्टर हो का जो घुसे चले आ रहे हो? निकलो बाहर। तुम्हारे जैसे लफंडर बाग लड़कन का हम खूब जानत है, हाय सुंदर लड़की देखी नहीं कि आए गए दुम हिलाते। सुंदर लड़की देखिए आप। देखिए? अरे देखिए नहीं दिखाएंगे तुमको। देखिए हम चले जाएंगे पर आपको इस हालत में छोड़ के नहीं। चलिए उठिए। अरे छुओ ना हमका। उठिए। हाँ उठिए। अरे नंद किशोर। अरे नंद किशोर। आराम से बैठिए बुआ जी। बुआ तेरे बुआ कहाँ से हुई गए? फ्री फंड में नाते रिश्ते बनाए लगे? मान ना मान मैं तेरा मेहमान। बड़े आए नंद किशोर। थोड़ा दर्द होगा पर इस पैर को ठीक करने का एक ही इलाज है। का नंद किशोर? मैया रे मर गए नंद किशोर। जादू देखा बुआ जी? दर्द गया ना अब? अरे दर्द तो एकदम गायब हुए बाबा। बबुआ तुम हो कौन? श्याम झा वकील है कोई हार्ड के वैद्य नहीं। वैसे खुशी जी बता रही थी कि फूफा जी की पेंशन को लेके। तुम खुशी को जानत कैसे हो? अरे अरे हम ही तो हैं जिन्होंने लखनऊ में उनकी रक्षा की थी। दिल्ली में भी उन्हें नौकरी हमने ही तो दिलवाई है। हाय रे नंद किशोर तुम तो बिल्कुल देवता स्वरूप हो है? और हमका देखो हम लठिया लेके तुम्हारे ऊपर चढ़ाई कर दिए। पता नहीं काका उल जलूल बोल दिए हैं। चाय पियो का बबुआ? चाय समोसे और रामासरे की दही जलेबी बस बुआ जी और क्या चाहिए? हाय माफ कीजिएगा बुआ जी वो घर की याद आ गई। वो कहते हैं ना लखनऊ हम पे है फिदा हम फिदा लखनऊ पे। और का है ताकते आसमान में जो हमको छुड़ा दे लखनऊ से। नकलों से हो बबुआ जी? उहे हम सोच रहे थे कि कमबख्त भाषा तो एकदम शीशे के जैसी साफ है। भाषा नहीं बुआ जी जबान कहिए जबान। उहे उहे इस प्यार को क्या नाम दूं।